दोस्तों आज मुंबई इंडियंस के करण पोलार्ड को आउट करने के लिए एमएस धोनी ने एक खास जाल बिछाया और पोलार्ड ने भी जानबूझकर धोनी के प्लान को फेल करने की कोशिश की, लेकिन धोनी के प्लान से बच नहीं पाए। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। दरअसल पोलार्ड जब 8 गेंदों में 14 रन बना चुके थे तब धोनी खुद पोलार्ड के लिए फील्ड सेट कर रहे थे। धोनी ने टीम के सबसे लंबे खिलाड़ी शिवम दुबे को बिल्कुल सामने खड़ा कर दिया, क्योंकि धोनी जानते थे कि पोलार्ड वहां काफी शॉट खेलते हैं। पोलार्ड भी उस समय धोनी की तरफ देख रहे थे और पोलार्ड ने सामने की तरफ ही छक्का जड़कर धोनी के प्लान को फेल करने की कोशिश की, लेकिन वह धोनी के बुनाए जाल में फंसकर उसी फील्डर के हाथों कैच आउट हुए, जिसके बाद धोनी अपना प्लान कामयाब होने पर पोलार्ड का कैच लेने वाले शिवम दुबे के लिए तालियां बजा रहे थे।